टू ऑल ऑफ यू, आज हम लोग जेब्लोस की डायग्राम डिस्कस करेंगे, जो कि फोटोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पता होगा आपको फोटोकेमिस्ट्री या फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, जो विजिबल रेडिएशन को और यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके होती है। ठीक है, या भी ऐसा भी बोल सकते हो कि दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, थर्मल रिएक्शन क्या होती है, जो हीट की प्रेजेंस में होती है, जो सनलाइट की अब्सेंस में होती है, उनको क्या बोलते हैं, थर्मल रिएक्शन। ठीक है, फोटोकेमिस्ट्री में जेब्लोस के डायग्राम को डिस्कस करने से पहले ग्रोथस ड्रॉपर लॉ, जो कि ऐसा बोलता है कि अगर मॉलिक्यूल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल के अंदर फोटोकेमिकल चेंज हो रहा है, तो ये कन्फर्म है कि मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्बशन किया है, लाइट को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, अगर फोटोकेमिकल चेंज मॉलिक्यूल के अंदर नहीं हो रहा है, फिर भी लाइट जो एब्जॉर्ब हुई है मॉलिक्यूल के अंदर, तो उस रेडिएशन के एब्जॉर्ब होने के बाद मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि फोटोकेमिकल चेंज तो हो नहीं रहा है, मतलब केमिकल चेंज तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद मॉलिक्यूल में कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेज होती हैं, फिजिकल प्रोसेस होती हैं, उसको हम लोग जेब्लोस के डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जेब्लोस के डायग्राम को सीखने से पहले आपको कुछ इसके बेसिक टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, पहले हम लोग वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, आपको एक चीज़ तो पता होगा कि अगर मॉलिक्यूल है, सपोज़ करो मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है, तो इलेक्ट्रॉन कितने कैसे होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो, जैसे सपोज करो ये है दो, ये है मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे दोनों। इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल है, अब इसको हम रेडिएशन दे रहे हैं भाई, रेडिएशन दे रहे हैं, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ चले जाएगा। अब एक्साइटेशन होने की भी दो कंडीशन है, देखो हो सकता है एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है एक्साइट होने के बाद। ठीक है, एक में ये हो सकता है कि ये है हमारा ये है, ठीक है, और एक में ऐसा भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ उसकी स्पिन इसी की तरफ बचे, पैरेलल हो जाए, तो ये तो इसके ऊपर को स्पिन है, इसकी भी ऊपर हो जाए, दो कंडीशन पॉसिबल है, कंसिडर कर रहे हैं ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये तो एक्साइटेड स्टेट है, ये भी एक्साइटेड स्टेट है, क्योंकि एक्साइट कर दिया है रेडिएशन देने के बाद। ठीक है, यह है ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, अब देखो इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट को हम लोग पहले सिंपल लिखता हूँ मैं, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हम लोग एस नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी को आपको पता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसकी हम अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालें तो क्या होती है, 2s प्लस 1, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। s क्या है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस हाफ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो s कितना होगा, s इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर तो 2s की जगह 0 प्लस 1, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वन आया, ओवरऑल वन आया, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगलेट स्टेट, सिंगलेट। ठीक है, सिंगलेट बोलेंगे क्योंकि मॉलिक्यूल अभी भी ग्राउंड स्टेट में है, तो इस स्टेट को क्या बोलेंगे हम लोग, एस नॉट को जो है, एस नॉट को क्या बोलेंगे, सिंगलेट, आगे से लगा देंगे सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। सिंगलेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिंगला वन आ रहा है। ठीक है, ग्राउंड क्यों बोल रहे हैं, ग्राउंड स्टेट क्योंकि एक्साइट करा नहीं है। अब इसके बाद दो पॉसिबिलिटी हैं कि हो सकता है कि जो स्पिन है इसके एंटी पैरेलल है इसकी, अगर एंटी पैरेलल स्पिन है इसको लिख सकते हैं एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल स्पिन। ठीक है, एंटी पैरेलल है, तो यहाँ पर एस प्लस हाफ, ये इसकी एंटी क्लॉकवाइज, माइनस हाफ, तो यहाँ पर भी जो हमारा एस आ जाएगा वो कितना आएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ कितना, 0। इसकी मल्टीप्लिसिटी निकालें तो 2s प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 2 × 0 प्लस 1, तो इसका भी कितना आया, सिंगलेट वन आया, तो इसको बोलेंगे सिंगलेट। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगलेट, सिंगलेट तो बोलेंगे क्योंकि वन आया, क्योंकि एक्साइट कर दिया तो एक्साइटेड सिंगलेट, एक्साइटेड स्टेट।
ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिंगलेट एक्साइटेशन हो सकती हैं, तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस वन से भी, बहुत सारे होंगे तो एस टू से, एस थ्री से, सो ऑन। ठीक है, ऐसे हम इस साइड अगर जाते हैं तो देखो इसमें इधर क्या हो रहा है, इधर जो स्पिन है ये है पैरेलल, दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, पैरेलल, पैरेलल स्पिन। ठीक है, अगर यहाँ पर हम एस निकालेंगे तो प्लस आप प्लस आप, तो एस यहाँ पर कितना आएगा, वन, तो स्पिन मल्टीप्लीसिटी निकाले टू एस प्लस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू इंटू एस कितना है, वन, वन प्लस वन तो कितना है हमारा थ्री, और थ्री आया तो क्या बोलेंगे इसको, थ्री को क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट, इसको बोलेंगे ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, ट्रिपलेट एक्साइट कर दिया तो एक्साइट भी लगा देंगे, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग टी वन से, बहुत सारी हो सकती हैं, टी वन, टी टू, टी थ्री, सो ऑन। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स आपको आने ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर पेयर्ड स्पिन है, पेयर्ड स्पिन, जब ये पेयर्ड स्पिन है तो एक्साइटिंग क्या, तो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट एस नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, पैरेलल स्पिन है तो हमको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट थ्री आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्साइट करने के बाद है तो इसलिए एक्साइटेड बोला, क्योंकि थ्री आया तो क्या बोला, ट्रिपलेट, ऐसे सेम सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। ये सही है, ये है बेसिक टर्म जो मैं आपको बता रहा था कि इनको आपको ज़रूरी है कि इनको सीखना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक चीज़ आपको मैं फिर बता देता हूँ कि यहाँ पर जो भी ये ट्रिपलेट स्टेट हैं उनकी एनर्जी सिंगलेट स्टेट से लेस होती है, मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है तो मोर स्टेबल होंगे, मोर स्टेबल है तो इनकी एनर्जी क्या होगी, लेस, मतलब एनर्जी ऑफ एस वन, एस वन की एनर्जी ज़्यादा होगी, और ई टी वन मतलब एनर्जी ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट बोलेंगे फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट को क्या बोलेंगे, फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, इसकी कम होगी। और ऐसे ही क्या होगा फिर, जो हमारी ई एस टू है, ई एस टू, इसकी एनर्जी ई टी टू से ज़्यादा होगी ये। ठीक है, एनर्जी, और थर्ड है हमारा है ई एस थ्री की एनर्जी ई टी थ्री से ज़्यादा होगी, ई मतलब एनर्जी। ठीक है, ये हो गया, अब मॉलिक्यूल एक्साइट हो गया है, अब जब ये ग्राउंड स्टेट में लौटेगा, एक्साइट में पहुंच गया, कुछ टाइम बाद ये वहाँ पर अनस्टेबल होता है तो ग्राउंड स्टेट में लौटता है, अब ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट लौटेगा, ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल लौटेगा वो तीन प्रोसेस के थ्रू लौटेगा। ठीक है, पहले मैं इसको अच्छे से इरेज कर लेता हूँ, मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में तीन प्रोसेस के थ्रू लौटेगा। ठीक है, उनको बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस, और ये जो फिजिकल प्रोसेस होती हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूँ, फिजिकल प्रोसेस जिससे मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में लौटने वाला है एक्साइट से। ठीक है, वो कौन कौन सी होगी, एक होगी हमारी नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। ठीक है, एक होगी हमारी रेडिएटिव प्रोसेस, रेडिएटिव प्रोसेस, इन प्रोसेस के थ्रू मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में लौटेगा, और एक होती है ओनली केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। ठीक, हमको ये दोनों पढ़नी है, ठीक है, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस क्या बोलते हैं, ऐसी प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौटेगा पर वो कोई भी रेडिएशन को इमिट नहीं करेगा। ठीक है, इमिट नहीं करेगा तो क्या बोलते, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, जो रेडिएशन को इमिट नहीं करेगा वो प्रोसेस होती है। और इसके अंदर दो चीज़ आती है हमारी, दो प्रोसेस, एक आती है हमारी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट आई एस सी। ठीक है, दूसरा है इंटरनल कन्वर्जन,
इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है, इसको बोलते हैं आईसी, ठीक है। और रेडिएटिव प्रोसेस में क्या है, दो प्रोसेस यहाँ पे होंगे हमारी, एक होती है हमारी फ्लोरीसेंस, नोर रेडिएटिव प्रोसेस में क्या होता है, जब मॉलिक्यूल लौटेगा ग्राउंड स्टेट में तो रेडिएशन को इमिट करके लौटेगा, ठीक है, तब बोला रेडिएटिव प्रोसेस। एक होती है फॉस्फोरीसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, फॉस्फोरीसेंस, ठीक है, ये वो डिस्कस करना है। अब ये फ्लोरीसेंस इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग क्या होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होता है, इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग क्या होता है, और उसके बाद फ्लोरीसेंस क्या है, फॉस्फोरीसेंस क्या है, इसको हम लोग पहले जब लोग उसके डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसमें बहुत इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। डायग्राम आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मेरे दिल में तेरी मारे डाले। अब देखो जब लोग उसका डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आपको पता होना चाहिए ये क्या है, एस नॉट ग्राउंड स्टेट, और कौन सी इसको बोलेंगे हम लोग, पूरा लिख देता हूँ मैं, सिंगलेट, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, ठीक है, और हो जो हमारी S1, ये हमारी S2, S3 हैं, ये क्या है हमारे सिंगलेट, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, और एक अब सिंगलेट S1 क्या होगी, सिंगलेट फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S2 क्या होगी, सेकंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ऐसे ही हमको ज़रूरत पड़ेगी T1, T2 और T3, क्या बोलेंगे इसको, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में होगा तो सबसे एनर्जी इसकी लो होगी, इसकी एनर्जी उसके बाद इसकी एनर्जी, अभी मैंने बताया भी था ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल की एनर्जी सबसे लेस होती है, तो मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ छोटा सा डायग्राम, ये हो गया, ठीक है, इसमें इस पर एनर्जी भी शो करता हूँ, एनर्जी, ठीक है, इधर को बढ़ेगा एनर्जी, तो मैं इस स्टेट को मान लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको आप समझ सकते हो, इसको इरेजी कर दूँ, ठीक है, ये हो गया, इसको मान लिया मैंने एस नोट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट एस नोट, या इसको यहाँ भी बोल सकते हो एस नोट, नाम लिखना है तो सिंगलेट क्या ग्राउंड स्टेट, ठीक है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। अब ऐसे ही क्या होगा हमारा, उसके बाद हम कोई सी भी ड्रॉ कर सकते हैं इसमें से, पहले एनर्जी फिर दिखाएंगे, ये हमारी ये है, ये हमारी S1 मान लेते हैं इसको, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर, S2 मान लेते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर, और S3 मान लेते हैं इनको, ठीक है, ये क्या है बताओ इनका नाम, सिंगलेट, वहाँ देखो सिंगलेट एक्साइटेड, एक्साइटेड स्टेट, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, बड़ा बनाने की ज़रूरत है इसको थोड़ा सा, यहाँ तक कर देता हूँ, ठीक है, अब जो ट्रिपलेट एनर्जी है इससे S1 से T1 की एनर्जी लेस होगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ा सा नीचे बना दूंगा इसको, मैं इसको बनाता हूँ ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा है T1, ठीक है, S2 से T2 की लेस होगी तो इसके थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा T2, S3 से T3 की कम होगी तो यहाँ पर T3, ठीक
ठीक है। और ये स्टेट क्या होती है, ये वाली ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब क्या होगा, मॉलिक्यूल पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे पहले कहाँ होंगे, ग्राउंड स्टेट में होंगे, तो ग्राउंड स्टेट से जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ से हो सकता है यहाँ पर भी चले जाए जा सकता है, हो सकता है यहाँ भी जा सकता है, हो सकता है यहाँ भी जा सकता है, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो ऊपर भी जा सकता है, कम करेगा तो यहाँ पर भी जा सकता है, ठीक है। तो उन जो प्रोसेस को बोलते हैं, उनको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जैसे मैं इसको शो कर रहा हूँ, तो पहले यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, हो सकता है यहाँ पहुँच जाए और हो सकता है यहाँ भी पहुँच जाए, ठीक है। यह है हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन तो हो गया, हमको दिखाना है क्या, यहाँ ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड में पहुँच गया। अब यहाँ पर है, अगर हो सकता है एस थ्री से एस टू में आ जाए मॉलिक्यूल, एस टू से एस थ्री में आ सकता है, ठीक है। अगर ये सेम मल्टीप्लिसिटी, अगर एस थ्री से एस टू में आया तो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी कितनी आई थी, वन। अगर सेम मल्टीप्लिसिटी, सेम मल्टीप्लिसिटी, इसकी भी मल्टीप्लिसिटी वन आती है, इसकी भी वन, इसकी भी वन, तभी ये आया था, ठीक है। तो अगर सेम मल्टीप्लिसिटी से सेम मल्टी सेम हायर मल्टीप्लिसिटी से सेम उसके नेक्स्ट वाली लोअर मल्टीप्लिसिटी में आता है, पर सेम मल्टीप्लिसिटी होती है, उसको बोलते हैं आईसी, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर यहाँ से यहाँ पर आया तो उसको क्या बोलेंगे, आईसी, ठीक है, सॉरी आईसी, इंटरनल क्रॉसिंग। यहाँ से भी यहाँ आ सकता है, हायर से जस्ट नेक्स्ट वाले माना चाहिए, पर सेम मल्टीप्लिसिटी से, और इसको बोलेंगे हम लोग फिर से, सॉरी ये बन गया हमारा आई सी, ठीक है, ये हो गया। अब हो सकता है कि यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, क्या वन मल्टीप्लिसिटी से, मतलब एस से टी में अगर जाता है, एस से अगर टी में जाता है तो उसको सपोज करो यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसको बोलेंगे आई एस सी, इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग कब होगा, जब मॉलिक्यूल डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी की एक्साइटेड स्टेट में आता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग आई एस सी। हो सकता है यहाँ से यहाँ आ सकता है, वो भी क्या होगा, आई एस सी, ठीक है। तो यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ आई एस सी, आई सी क्या होगा, एस थ्री से एस वन में आए, सॉरी एस टू में आए तो आई सी, ठीक है। हो सकता है S2 से S1 में आए तो ये भी क्या आई सी, पर कैसे आएगा, एनर्जी लॉस करेगा, पर कौन सी एनर्जी, हीट लॉस करेगा, हीट कहाँ से आएगी, कोलिजन के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सेम यहाँ भी, अगर यहाँ से S3 से T3 में आए, S3 से T3 में आए, तो यहाँ पर वन मल्टीप्लिसिटी थी, यहाँ पर थ्री थी, तो डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी में आए तो उसको क्या बोलेंगे, कैसे आएगा, ये लॉस ऑफ हीट करके, ठीक है, उसको बोलेंगे आई एस सी, ये आई एस सी होगा, ये आई सी है, ठीक है। और हो सकता है कहाँ से कहाँ आ सकता है, एस टू से टी वन में आ जाए, एस टू सॉरी इससे टी टू, टी वन में आ जाए, तो फिर वही थर्मल एनर्जी हीट को लॉस करके आएगा, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, आई एस सी, इसको क्या बोलेंगे, आई सी, ठीक है। अब यहाँ से, अब यहाँ हो गया, अब अगर ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में लौट गया, मतलब टी वन से कहाँ लौट रहा है, एस नॉट में लौट रहा, ग्राउंड स्टेट में लौट रहा है, पर वो रेडिएशन को इमिट करके आता है, तो उसको बोलते हैं भाई फॉस्फोरेसेंस, ये रेडिएटिव प्रोसेस है, मैंने पहले बताया फॉस्फोरेसेंस, ठीक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आए तो इसको ऐसा कर देते हैं, क्योंकि रेडिएशन लॉस कर रहा है, तो ऐसा दिखा देते हैं, तो ये क्या हो रहा है हमारा फॉस्फोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, ठीक है, फॉस्फोरेसेंस हो गया। अब क्या बचा, फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस में क्या होगा, सिंगलेट, मतलब फर्स्ट सिंगलेट, इसको बोलेंगे फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से अगर मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में आता है, ये आ रहा है, पर क्या करेगा वो, लॉस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन को इमिट करके आएगा, मतलब कहाँ से आ रहा है, S1 से, S1 से कहाँ आ रहा है भाई, S0 में आ रहा है,
पर रेडिएशन को इमिट करके आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरीसेंस। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अब इसमें एक चीज़ हमको देखना है, ये तो हो गया हमारा जेब्लोस के डायग्राम, ठीक है, तो सिंपल ही है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमको एक चीज़ देखना है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से ये आता है कि ये क्या है, ये क्या है। आपको मैथ्स द फॉलो मैथ्स वाले चार इधर देगा, वहाँ पर मैथ्स करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। अब हमको एक चीज़ देखना है इसमें कि भाई अगर सेम मल्टीप्लिसिटी से सेम मल्टीप्लिसिटी में लौटे, ठीक है, या ट्रांजिशन हो, तो उसको बोलते हैं अलाउड ट्रांजिशन। ऐसे ट्रांजिशन अलाउड होते हैं। तो अगर आप देखो जो आईसी है, आईसी में क्या हो रहा है, सेम मल्टीप्लिसिटी से सेम में लौट रहा है, सेम से सेम में, ठीक है। और यहाँ पर भी जो हमारा फ्लोरिसेंस हो रहा है, फ्लोरिसेंस में भी सेम मल्टीप्लिसिटी में लौट रहा है। तो आईसी हो गया और क्या है, फ्लोरिसेंस हो गया। ये क्या होंगे हमारे, ये हमारे होंगे अलाउड ट्रांजिशन। इसको आप याद रखना कि एग्जाम में भी पूछता है कि कौन से अलाउड है, कौन से फॉरबिडन है। अगर ऐसे ट्रांजिशन जो डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी में हो, डिफरेंट मतलब आईएससी कहाँ से आ रहा है, 1 से 3 में आ रहा है, तो डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी। फॉस्फोरेसेंस कहाँ आ रहा है, फॉस्फोरेसेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंट से, सॉरी 3 से 1 में आ रहा है, तो यहाँ भी डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी। तो इनको हम लोग बोलेंगे किसको, एक आईएससी, एक हमारा है फॉस्फोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस ये होती है, ये है फॉरबिडन ट्रांजिशन। आपको याद रखना पड़ेगा फॉरबिडन ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन नहीं हो सकता, ठीक है, फॉरबिडन ट्रांजिशन, ठीक है। ये भी आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है कभी भी, मतलब कि ये जो चार प्रोसेस हो रही है, आईएससी, आईसी, फ्लोरिसेंस, फॉस्फोरिसेंस, इसमें सबसे जो ज़्यादा स्पीड से होता है वो होता है हमारा क्या, ज़्यादा स्पीड से होता है वो आता है, याद होना चाहिए, आईसी, इंटरनल क्रॉसिंग, क्या है, इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है, सॉरी, ये सबसे फास्ट होता है, स्पीड भी याद रखो। उसके बाद आईएससी, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, फ्लोरिसेंस, ये स्पीड की बात बोल रहा हूँ, और उसके बाद फॉस्फोरिसेंस सबसे स्लो होता है। तो फॉस्फोरिसेंस बोला टाइम डिलेड प्रोसेस, क्वेश्चन आ सकता है कौन सी प्रोसेस टाइम डिलेड है, तो यह है स्पीड वाला, ठीक है। अगर लाइफ टाइम की बात करता है तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, मतलब जल्दी, मतलब कहने का मतलब कि फास्ट होता है, तो लाइफ टाइम कम होगा, इसका लाइफ टाइम ज़्यादा होगा फॉस्फोरेसेंस का, ठीक है। और ऐसा भी आ सकता है कि कौन सी प्रोसेस रेडिएटिव है, कौन सी नॉन रेडिएटिव है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी है रेडिएटिव। जो हमारा एब्जॉर्प्शन क्या है, देखो एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन भी आप देखोगे तो यहाँ से यहीं जा रहा है, सेम से सेम, ठीक है। तो ये भी एक हिसाब से देखा जाए तो क्या, सेम मल्टीप्लिसिटी सेम में जा रहा है, तो क्या हो गया है, अलाउड ट्रांजिशन, ठीक है। और ये एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो एब्जॉर्प्शन है, एक एब्जॉर्प्शन हो गया हमारा, ठीक है, एक कौन सा हो गया, फॉस्फोरिसेंस, एक फ्लोरिसेंस, ये रेडिएटिव प्रोसेस है, रेडिएशन के थ्रू हो रही है, ठीक है। और आईसी हो गया, आईएससी हो गया, ये है हमारी नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, ठीक है। तो जेब्लोस के डायग्राम में ज़्यादा इससे कुछ है नहीं, आप इसको अच्छे से पढ़िए।